नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम धनराज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी बिल्डर्स पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 BHK फ्लैट जो कि हमारा मोहन गार्डन में उपस्थित है। इसके कनेक्टिविटी की बात करें तो ये द्वारका मोड़ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इस फ्लैट में हमारे पास 2 BHK और 3 BHK दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। इस फ्लैट की अधिक जानकारी लेने के लिए हमारी वीडियो को पूरा देखिए और चलते हैं बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन पे। तो दोस्तों, आ चुके हम अपनी बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन पे। आप बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन की गली का साइज़ देख सकते हो। आप गली हमारी पूरी 25 फीट की गली है और आप बिल्डिंग का स्पेस देख सकते हो। ब्राउन एंड ग्रे कॉम्बिनेशन में हमने इसमें कवर अप किया हुआ है, जिसमें फास्टनर नेट के साथ हमने बिल्डिंग को बनाई है। और फ्रंट में आपके 3 BHK का फ्लैट्स आ जाते हैं। तो हम गेट्स की बात करें तो 15-15 फीट के हमारे 2 गेट्स आ जाते हैं और इसमें आपका पूरा मत्था जो बिल्डिंग आता है 30 फीट का मत्था आता है। तो चलिए हमारे पार्किंग एरिया में। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने पार्किंग एरिया में, जिसमें आप देख सकते हो प्रॉपर लाइटिंग का और कोटा पत्थर का हमने काम किया हुआ। अभी बिल्डिंग में वुडन का काम पेंडिंग है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने 4-4 फीट के हमने टाइल्स कवर अप कर रखे हैं, 4-4 फीट की टाइल्स लगा रखी है और आपको लिफ्ट और स्टेयर्स का प्रोविज़न दे रखा। इसमें हमारे वाटर कनेक्शन आते हैं, जिसमें आपको MCD वाटर और बोरिंग का वाटर मिल जाएगा। तो चलते हमारे फ्लैट के अंदर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे फ्लैट के लिविंग एरिया में। एंट्री करते आपके स्पेस देख सकते हो, बहुत बड़े स्पेस में आपका लिविंग एरिया रहता है, जिसमें आपको 12x13 का आपको स्पेस मिल जाता है। एल शेप का आपका सोफा लग जाता है, यहाँ पे अपोजिट में LCD पैनल लग जाता है। बहुत ही सिंपल सोवर में हमने आपको इसमें वॉल का काम दे रखा है, जिसमें आपको इन फ्यूचर आप वॉलपेपर भी लगा सकते हो। बाकी हमने 3D थोड़ा काम दे रखा है। फॉल सीलिंग की बात करें तो बहुत ही यूनिक और सिंपल सोवर फॉल सीलिंग बना रखी है, जिसमें हमने फैन लैंप वाले फैन दे रखे हैं, जिसमें लाइटिंग का और फैनिंग का दोनों प्रोविजन है। दो लैंपिंग लाइटिंग लगा रखी है। इसके बाद हम आते हैं अपने अपोजिट में एक ओपन किचन में। आप किचन का स्पेस देख सकते हो, बहुत ही फुल्ली मॉड्यूलर किचन बना रखा है, जिसमें आपको ग्लास शीट, स्पोर्ट्स लाइट अंदर मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल चिमनी का प्रोविजन दे रखा, पूरा मॉड्यूलर किचन दे रखा आपका। और इसके अगर मैं सैनिटरी का काम बात करूँ तो वर्ना कंपनी सैनिटरी काम हमने दे रखा है, जो जैगुआर कंपनी के सेकंड लेवल की कंपनी आती है, वर्ना कंपनी ने सारा काम दे रखा है। RO का प्रोविज़न आपको मिल जाएगा इसमें और पार्टीशन के लिए हमने गिलास एक लगा रखा। तो चलते हमारे बेडरूम में। बेडरूम की बात करें तो हमारा मास्टर बेडरूम आ जाता है। यह मास्टर बेडरूम में हमने आपको स्पेसियस बेडरूम है, 6x6 का बेड लगने के बाद भी बहुत स्पेस बता, बहुत यूनिक फॉल सीलिंग का काम दे रखा। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी फॉल सीलिंग का काम दे रखा। अपोजिट में हमने एक LCD पैनल बना रखा है, जिसमें आपको गिफ्ट आइटम के लिए ऑप्शन भी दे रखे हैं, स्पोर्ट्स लाइट दे रखी है और एक ब्राउन और वाइट कॉम्बिनेशन में पैनल दे रखा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें हमने 3 पल्ले की अलमीरा दे रखी है। आप अलमीरा का स्पेस देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन अलमीरा, स्पेसियस वॉल टू वॉल अलमीरा बना रखी है। इतनी बड़ी अलमीरा आपको शायद ही कहीं मिलती है, बहुत ही स्पेसियस। डबल माइका के साथ आपको अलमीरा, ड्रॉर वगैरह सब मिलता है। और अब मैं मास्टर बेडरूम में दिखाना चाहूँगा इसका अटैच वॉशरूम। मास्टर बेडरूम की खासियत यही होती है कि अटैच वॉशरूम इसके साथ होता है, बहुत ही बेहतरीन स्पेस में आपको अटैच वॉशरूम मिलता है, जिसमें हैंगिंग सीट, वर्ना कंपनी के ठंडे गर्म पानी के ऑप्शन, टैप, वॉश बेसिन, सारा हम LCD लगा के देते हैं, शावर पॉइंट, गीजर पॉइंट, वॉल टू वॉल टाइल्स और फॉर सीलिंग का भी काम हमने वॉशरूम में दे रखा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें आपका विंडो AC का भी प्रोविज़न हमने दे रखा है, यहाँ पे स्विच वगैरह लगा रखे हैं और विंडो AC के साथ भी आपका प्रोविज़न, विंडो AC लगा सकते हो। साथ में हमने बड़ी खिड़की दे रखी है। और आइए चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम की बात करें तो सेकंड बेडरूम हमारा अटैच बालकनी के साथ है। ये बहुत ही बेहतरीन स्पेसियस बेडरूम है। ये आपका 12x10 का बेडरूम आ जाता है और इसमें हमने वॉलपेपर लगा रखा, बहुत ही बेहतरीन फोर सीलिंग का काम दे रखा है ऊपर, जिसमें हमारी अटैच बालकनी है और विंडो है। तो ये हमारा बालकनी एरिया आ जाता है। बालकनी में हमने SS की ग्रिल्स और आपको टैप स्विच वगैरह सारा वॉशिंग एरिया बना रखा, आप देख सकते हो टैप स्विच का ऑप्शन हमने दे रखा इसमें। और तो ये हमारा सेकंड बेडरूम आ गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम में। थर्ड बेडरूम की बात करूँ तो इसमें भी हमने आपको अलमीरा के साथ आपको दे रही है बेडरूम, और ये हमारा 11x10 का बेडरूम आ जाता है, जिसमें आपको अलमीरा भी दे रहे हैं हम आपको, स्पेसियस अलमीरा आ जाती है और इसमें हम आपको शाफट भी दे रहे हैं, शाफट और स्प्लिट AC की वायरिंग दोनों ऑप्शन देख सकते हो। तो दोस्तों, चलते हमारे
कॉमन वॉशरूम है जो हमारे लिविंग एरिया के अपोजिट में ही है। आप वॉशरूम का स्पेस देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन स्पेस बना रखा, और वॉल टू वॉल टाइल, सारा सैनिटरी का काम, वॉश बेसिन, हर चीज़ आपको मिल जाती है इस वॉशरूम में। तो दोस्तों मैं इस फ्लैट की खासियत बताना चाहता हूँ, ये जो फ्लैट हमारा अवेलेबल है ये मोहन गार्डन में अवेलेबल है, और इसमें आपको ये द्वारका मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। इस फ्लैट में आपको सीवर, पानी, बिजली, गैस पाइपलाइन, हर चीज़ की फैसिलिटी मिल जाती है। यहाँ पे आपको कार पार्किंग भी मिल जाती है और लिफ्ट का ऑप्शन भी मिलता है। इस बिल्डिंग की अगर मैं खासियत बताऊँ तो ये आपका डबल रूम आपका फ्रंट में है, प्रॉपर वेंटिलेटेड है, और इसमें हमने आपको फुल्ली फर्निश्ड और सेमी फर्निश्ड के भी ऑप्शन दे रखे हैं। आपको अगर अधिक जानकारी लेनी है तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो, जिससे आपको बिल्डिंग का जो भी हमारे फ्लैट्स का जो भी व्यूज़ है उसके आपको अधिकतर जानकारी मिल जाएगी। आप मेरे चैनल को अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय गुरु जी।